Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, विच इज़ बेस्ड ऑन एल्कोहलिज्म. इससे पहले मैं जितने भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ सोशियोलॉजी 6 सेमेस्टर के, मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. और इनकेस अगर आपको डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई विल ट्राई, मैं जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करूँगी. डेली बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन एंड क्वेरीज आती हैं, मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ जो भी आप लोगों ने पूछा है. बट इनकेस अगर मैं गलती से मेरे से स्किप हो जाए आपका क्वेश्चन, तो जो टॉप मोस्ट वीडियो होगी जो मैंने अपलोड की होगी आप उस पर जो है अपना जो है जो भी आपने पूछना होगा पूछ सकते हो. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. सो व्हाट इज एल्कोहलिज्म, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन एल्कोहलिक, हाउ एल्कोहलिज्म कैन बी प्रिवेंटेड. सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन. एल्कोहलिज्म इज कंसीडर्ड एज अ सोशल एंड मॉरल प्रॉब्लम फ्रॉम द लास्ट फ्यू डिकेड्स. एल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम काफी टाइम से देखने को मिल रही है. सोसाइटी को भी हार्म करती है ये प्रॉब्लम, साथ ही साथ मोरालिटी को भी, कि जब हम दूसरों को हार्म करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है उसमें फर्क करना बंद कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी टाइम से जो है सोसाइटी में राइज होती जा रही है. इवन इन सम स्टेट्स ऑफ आर कंट्री रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन एल्कोहलिज्म. इंडिया में काफ़ी सारी स्टेट्स ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि जो एल्कोहलिज्म की जो सेलिंग होती है, परचेजिंग होती है, ताकि कोई इल्लीगल तरीके से ना करे, ज़्यादा सोसाइटी जो है इसके एडिक्शन में ना आए. बट स्टिल हम ये कहते हैं कि पॉलिसी बनाने के बाद भी सेलिंग और परचेसिंग जो है एल्कोहलिज्म की, ये नहीं रुकी है बल्कि इंक्रीज हुई है टाइम के साथ. इफ़ गवर्नमेंट एंड पीपल बोथ जॉइन हैंड विद ईच अदर देन दिस प्रॉब्लम कैन बी रिमूव्ड वेरी क्विकली. तो अगर हम चाहते हैं सोसाइटी से एल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो लोगों को मदद करनी पड़ेगी सरकार की, लोगों को सरकार के साथ मिलकर ये स्टेप लेना पड़ेगा, तब जाकर एल्कोहलिज्म जो है सोसाइटी से खत्म हो सकता है. नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है मीनिंग. एल्कोहलिज्म इज अ कंडीशन इन विच पर्सन इज अनेबल टू कंट्रोल हिज क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल. तो एल्कोहलिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक पर्सन अपनी क्वांटिटी पे कंट्रोल नहीं कर पाता जितनी उसने अल्कोहल लेनी है. अ पर्सन हु कैन नॉट लिव विदाउट ड्रिंकिंग अल्कोहल इज नोन एज एल्कोहलिक पर्सन. जो पर्सन बिना अल्कोहल के नहीं रह सकता है उसको हम एल्कोहलिक पर्सन कहेंगे. नेक्स्ट यहाँ पर हमने लिखनी है टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक पर्सन. डॉन केलर जो एक सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक पर्सन जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं किस बेसिस पे, क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रिंकिंग, कि कितनी क्वांटिटी में लोग रहते हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी जल्दी वो ले रहे हैं, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार. तो उसके अकॉर्डिंग जो है डॉन केलन ने यहाँ पर 5 टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक पर्सन एक्सप्लेन किए हैं. सबसे पहले रेयर अल्कोहलिक. रेयर अल्कोहलिक पर्सन आर दोज पर्सन हु ड्रिंक्स अल्कोहल वंस और ट्वाइस इन अ ईयर, इवन ड्रिंक्स फॉर द सेक ऑफ फन. तो रेयर अल्कोहलिक पर्सन वो है, नाम से ही क्लियर है कि रेयर को कभी कभार अल्कोहल लेते हैं, घर में वंस और ट्वाइस, या फिर कभी फन करने के लिए, कभी फ्रेंड्स के साथ, तो तब लेते हैं. तो ये बहुत ही रेयर एल्कोहलिक पर्सन है. सेकंड आपका इनफ्रीक्वेंट एल्कोहलिक. इनफ्रीक्वेंट एल्कोहलिक पर्सन इज दैट पर्सन हु ड्रिंक्स अल्कोहल वंस और ट्वाइस इन अ मंथ और 3 मंथ्स एट द टाइम ऑफ एनी मैरिज और फंक्शन. तो इनफ्रीक्वेंट अल्कोहलिक पर्सन ये होते हैं जो 2 या 3 महीने में 1 या 2 बार लेते हैं, जब कभी किसी की फंक्शन हो या मैरिज हो तो वहाँ पर वो ले लेते हैं, तो इन लोगों को हम इनफ्रीक्वेंट अल्कोहलिक पर्सन कहेंगे. थर्ड है लाइट यूजर अल्कोहलिक. लाइट यूजर अल्कोहलिक इज दैट पर्सन हु ड्रिंक वंस और ट्वाइस इन अ मंथ. तो लाइट यूजर अल्कोहलिक वो होते हैं जो 1 मंथ में 1 या 2 बार लेते हैं, और ही समटाइम्स ड्रिंक इन अ कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, की फ्रेंड्स की कंपनी में वो अल्कोहल ले लेते हैं. फोर्थ है मॉडरेट यूज अल्कोहलिक. मॉडरेट यूज अल्कोहलिक इज दैट पर्सन हु ड्रिंक थ्राइस और 4 टाइम्स इन अ मंथ और वांट्स टू एंजॉय हिज हॉलिडे. तो मॉडरेट यूजर अल्कोहलिक पर्सन वो होते हैं जो महीने में 3 से 4 बार लेते हैं, यानी यूजुअली जब वो फ्री होते हैं संडे या सैटरडे को तब लेते हैं हॉलिडे इंजॉय करने के लिए. फिफ्थ है आपका हैवी यूजर अल्कोहलिक. हैवी यूजर अल्कोहलिक पर्सन इज दैट हु ड्रिंक्स अल्कोहल डेली और मेनी टाइम्स इन अ डे, जो एक दिन में ही कितनी बार अल्कोहल लेते हैं वो होते हैं हैवी यूजर. दे आर नोन एज हार्ड कोर अल्कोहलिक पर्सन. आपने हेडिंग डालनी है प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन अल्कोहलिक. किस तरीके से एक पर्सन जो है एल्कोहलिक पर्सन बनता है. सबसे पहला सिचुएशन ऑफ ब्लॉकआउट. इन दिस कंडीशन पर्सन इज अनेबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम एंड ऑलवेज रिमेन इन टेंशन. सो जब भी कोई ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी सिचुएशन होती है एक पर्सन के लाइफ में जब उसको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता और वो हमेशा टेंशन में रहता है, जब उसकी लाइफ में ऐसा लगता है कि सब जो है ब्लॉकआउट हो चुका है, तब
एक स्टेप होता है कि वो पर्सन जो है अल्कोहलिक हो सकता है. सेकंड है सीक्रेटली ड्रिंकिंग. व्हेन द पर्सन इज अनेबल टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम देन ही स्टार्ट ड्रिंकिंग सीक्रेटली सो दैट नोबडी शुड बी एबल टू नो अबाउट हिज ड्रिंकिंग. तो जब पर्सन को लगता है कि उसको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वो सीक्रेटली ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है ताकि किसी को पता ना लगे कि वो ड्रिंक कर रहा है. तो वो छुप कर करता है, कम क्वांटिटी में करता है उस टाइम पर. थर्ड पॉइंट है इंक्रीज टॉलरेंस. इन दिस कंडीशन ही स्टार्ट्स ड्रिंकिंग इवन बिफोर प्रॉब्लम स्टार्ट एंड ऑल्सो टॉलरेट्स द इफेक्ट ऑफ हिज एल्कोहलिज्म. इंक्रीज टॉलरेंस में क्या होता है कि जो पर्सन है उसकी प्रॉब्लम अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी कोई उसको कंडीशन ऐसी नहीं है कि उसको अल्कोहल लेना चाहिए, बट वो उससे पहले ही लेना स्टार्ट कर देता है ताकि उसको लगता है कि अगर फ्यूचर में ये चीज़ होती है, उसके सामने अगर ये प्रॉब्लम आती है, तो वो पहले से ही उसके लिए रेडी. ऐसे ही एक पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस आती जाएंगी, वो अल्कोहल का डोज जो है वो इंक्रीज करता जाएगा, यानी कि उसकी जो टॉलरेंस है उसको एक्सेप्ट करने की वो इंक्रीज होती जाएगी, वो उसको इजीली एक्सेप्ट करता जाएगा लाइफ में. पॉइंट है लैक ऑफ कंट्रोल. दिस इज दैट स्टेज व्हेन ही स्टार्ट टू ड्रिंक मोर एंड मोर अल्कोहल एंड इज अनेबल टू कंट्रोल हिज विश ऑफ ड्रिंकिंग. ये वो स्टेज होगी जहाँ पर जो पर्सन है वो ज़्यादा अल्कोहल लेगा और अपनी जो विश है ड्रिंकिंग की उसको वो कंट्रोल में नहीं रख पाएगा. स्टेप का पॉइंट है फाइंडिंग वेज ऑफ ड्रिंकिंग. इन दिस कंडीशन पर्सन फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ ड्रिंकिंग सो दैट ही कुड बी एबल टू ड्रिंक फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो अब इस कंडीशन में जब पर्सन अपना पूरा कंट्रोल खो चुका होगा तो वो अलग अलग बहाने ढूंढेगा ताकि वो ड्रिंक कर सके. नेक्स्ट आपका पॉइंट है कीपिंग प्रोग्राम्स ओनली ऑफ ड्रिंकिंग. अल्कोहलिक पर्सन कीप्स ओनली प्रोग्राम ऑफ ड्रिंकिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इनवाइट हिज रिलेटिव फ्रेंड्स एटसेट्रा सो दैट ही कुड ड्रिंक रेगुलरली. सो अल्कोहलिक पर्सन जो है नए नए बहाने ढूंढेगा ड्रिंक करने के लिए, अपने फैमिलीज मेंबर को रिलेटिव्स को इनवाइट करेगा अपने घर पे कि आप आओ और हम साथ में बैठकर जो है ड्रिंक करते हैं. तो इस तरीके से डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं अरेंज किए जाएंगे कि उसका खुद पे कंट्रोल अब नहीं रहा है. आपका सेवन्थ पॉइंट है स्टार्ट ड्रिंकिंग फ्रॉम मॉर्निंग. एट दिस स्टेज ही रेगुलरली स्टार्ट ड्रिंकिंग फ्रॉम द मॉर्निंग एंड डिपेंड अपॉन अल्कोहल फॉर एवरी टाइप ऑफ फंक्शन. इस स्टेज पर जो पर्सन होगा वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करेगा, जो मॉर्निंग है वहीं से स्टार्ट कर देगा ड्रिंक करना और हर एक फंक्शन हर एक एक्टिविटी के लिए सबसे पहले वो ड्रिंक लेगा सो दैट उसका जो स्ट्रेस है जो उसका मेंटल टेंशन है वो डिक्रीज हो सके. तो आपकी हेडिंग है प्रिवेंशन. फर्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट कैन अनाउंस द पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन अल्कोहल. सो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर पॉलिसी अनाउंस कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट पॉलिसीज, ताकि जो अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम है इसे कम किया जा सके. इट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द मेकर्स एंड सेलर्स ऑफ द लिकर. गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है जो भी उसको सेल करते हैं, परचेज करते हैं, ताकि ज़्यादा लोग इसके एडिक्शन में ना आए. नेक्स्ट आपका पॉइंट है डॉक्टर शुड कीप अ सिंपथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स अल्कोहलिक पर्सन. अल्कोहलिक पर्सन से अगर डील करना है तो डॉक्टर्स को उनको सिंपथेटिक एटीट्यूड से डील करना पड़ेगा, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना पड़ेगा और रीजंस जानने पड़ेंगे कि वो पर्सन जो है अल्कोहल को उसने यूज़ करना क्यों स्टार्ट किया था. तो डॉक्टर्स की मदद से भी जो है अल्कोहलिक पर्सन को ट्रीट किया जा सकता है. पॉइंट है दे कैन ऑर्गेनाइज सेमिनार्स अगेंस्ट इट सो दैट पीपल शुड कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. सो गवर्नमेंट जो है सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि लोगों को वो अवेयर करें और इस प्रॉब्लम के बारे में, ताकि लोग अपने आप ही अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम से दूर रहें. नेक्स्ट आपका पॉइंट है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस कैन एस्टैब्लिश रिक्रिएशनल सेंटर्स सो दैट पीपल कैन एंजॉय ऑन दीज प्लेसेस इंस्टेड ऑफ यूजिंग अल्कोहल. तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, यानी गवर्नमेंट एक ऐसी जगह बना सकती है जहाँ पर लोग जाकर अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर सके, अपने आप को इंजॉय जो है वो फील करवा सके, क्योंकि आज की लाइफ इतनी बोर हो गई है, इतनी स्ट्रेसफुल है, इतनी डिप्रेशन वाली है, तो उस चीज़ से दूर जाने के लिए लोग अल्कोहल की मदद लेते हैं. तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि लोग उसके एडिक्शन में ना जाएं, तो गवर्नमेंट जो है रिक्रिएशनल सेंटर्स ओपन कर सकते हैं सो दैट लोग अल्कोहल लेने की बजाय उन सेंटर्स पे जाकर इंजॉय करें. नेक्स्ट पॉइंट है फॉर द स्पेशल कोर्ट्स कुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड सो दैट द लॉ ब्रेकर्स कुड बी पनिश्ड वेरी क्विकली. इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स जो है गवर्नमेंट बना सकती है ताकि जो भी लॉ ब्रेकर्स हैं, जो रिलेटेड टू अल्कोहलिज्म के लॉज जो है ब्रेक करते हैं, उनके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो और जल्दी से जल्दी उन्हें सजा मिले ताकि दूसरों को इससे एग्जाम्पल सेट हो. नेक्स्ट आपका पॉइंट है एक्चुअल बैन ऑन अल्कोहलिज्म कैन ओनली हैपन इफ द पर्सन हिमसेल्फ शुड लीव दिस प्रॉब्लम. सरकार चाहे जितना मर्जी स्ट्रिक्ट एक्शन ले ले जो भी लॉ ब्रेकर्स हैं, तब तक ये चीज़ सोसाइटी से ख़त्म नहीं हो सकती जब तक लोग खुद आकर गवर्नमेंट की मदद ना करें या खुद अपने मन में ये डिसाइड ना करें कि उन्हें अल्कोहल नहीं लेना है. तो गवर्नमेंट को सबसे पहले जो मेन काम करना है या लोगों को सबसे पहले काम करना है, अपने आप को अवेयर करना है इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट. नाउ एंड में कॉन्क्लूजन 4 to 5 लाइंस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कॉन्क्लूजन इन द एंड. इससे आपका आंसर जो है कॉन्क्लूड हो जाएगा.
कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइंस नहीं समझ आएंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कॉन्क्लूजन लिखना इज मस्ट। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और योर सिलेबस, प्लीज कमेंट बिलो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। ऑल द बेस्ट अचीवर्स, हैव अ नाइस डे।